64 और पख्तून सरजमीन पर आपको खुश आमदेद कहते हैं। इसके बाद में पहला सवाल यही है कि तहरीक लबैक अभी तक सूबा खैबर पख्तूनख्वा में कितनी इमदाद दे चुकी है, आप कहाँ कहाँ पर चले गए हैं और सूरत हाल क्या देखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आज पहला दिन है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़्यादा इलाकों का विज़िट करने के लिए आया हूँ और जो तादाद है राशन देने की उसका एग्जैक्ट फिगर तो मेरे इल्म में नहीं है, वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अनगिनत यानी कि आप कह सकते हैं कि दर्जनों ट्रक इस वक्त राशन के बकाया ज़रूरियात ज़िंदगी का जितना भी सामान है उसके तमाम यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भेजे जा चुके हैं। वो अगर डी आई खान हो या सवात हो, नीचे बहरैन हो, जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भेजा जा चुका है। चार सद्दा और नौशहरा में भी जितने भी सैलाब से मुतासर लोग थे उनकी इमदाद की जा चुकी है। सर, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब तो फिर में एक, लेकिन सुबह हुकूमत बिल्कुल यह नाकाम है। अगर आप उनको भी यहाँ से एक पैगाम दें, क्योंकि ये तो आपका या और रिलीफ इदारों का काम नहीं है, हुकूमत का भी कुछ काम है। वो यहाँ आते डिसीशन करते हो फिर जाते हैं, आवाम भी यहाँ चरसदा के बहुत मायूस है। इसके साथ मैं ऐड करता हूँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा की बीहीसी हुकूमत जो तो हमारे सामने है, पंजाब में यही बीहीसी है। सबसे पहले आपने सूबाई हुकूमत की बात की, सूबाई हो या कौमी हुकूमत हो, उनको एहसास ही नहीं है कि लोगों की मुश्किलात क्या है और लोग किस मुसीबत में है इस वक्त। वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आते हैं, ऊपर से सामान फेंकते हैं, उनको मालूम नहीं है कि नीचे भी पानी है या ऊपर इतनी बुलंदी से सामान फट जाता है। जो रोड बनाए हैं और सारा कुछ जो दावे हैं कि हमने तरक्की की है उस पर चल के तो दिखाएँ, उस पर थोड़ी गाड़ियाँ दौड़ाएँ तो सही। और पंजाब में भी यही सूरत हाल है कि वज़ीर आला और इमरान खान के जो हैं वो जलसों की निगरानी कर रहा है और जलसों को अटेंड कर रहा है और उसकी जनाब सिक्योरिटी संभाल रहा है और उसके इंतजाम को देख रहा है। उसको देखना ये चाहिए कि मेरे यहाँ पर हज़ारों लोग, पंजाब में भी हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, घरों से उनकी फसलें तबाह हो गई, जानवर तबाह हो गए, घर बार सब कुछ तबाह हो गया, वो बेआसरा आसमान के नीचे बैठे हुए हैं इस गर्मी के अंदर, इस हबस के अंदर। और अभी खैबर पख्तूनख्वा में आपने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि सूबाई गवर्नमेंट और वो जो हमें कहते हैं कि लाडले की गवर्नमेंट है और तब्दीली वाले की गवर्नमेंट है, उसने भी यहाँ पर यही तबाही मचा चुकी है। वहाँ भी पंजाब में भी इन्हीं की गवर्नमेंट है, तो जो बैठे हैं ऊपर वफाक में उनका भी यही रवैया कि वो ऊपर से आते हैं हेलीकॉप्टर विजिट करके चले जाते हैं। भाई, विजिट करने में कोई मसला नहीं है, लोगों तक पहुंच क्या रहा है या लोगों की जरूरियात क्या है ये तो सुने, उनको तो हल करें। बस ये रोना हर जगह रोना है जी, हमारी ऊपर से लेकर गवर्नमेंट पूरी इंतजामिया बेहस हो चुकी है। ये अजनास गजाई आपको घर घर पहुंचा रही है, जब मकानात की तामीर की बारी आएगी तो उसमें भी आपको यही जी आपका होगा? जी बिल्कुल, रिहैबिलिटेशन इसको कहते हैं, मामूलात ज़िंदगी को दोबारा मामूल पर लाना। इसके लिए तहरीक लबैक ने ये प्रोग्राम बनाया है कि जो गिरे हुए हैं अभी जहां जिनकी मरम्मत हो सकती है उसका पहला मरहला मरम्मत का होगा, और फिर जो बिल्कुल सफ़ाई अस्थी से मिट चुके हैं उनकी तामीर नो के लिए इंशाल्लाह एक बाकायदा टीम तश्कील देंगे। हमारे तहरीक लबैक के इंजीनियर्स हैं जिन्होंने एक घर नॉर्मल आदमी के रहने के लिए उसकी कीमत भी तकरीबन कोई 2.5 लाख के करीब बताई है, उसको तैयार कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो भी जब बिल्कुल आखिरी मरहला में है, जब हमारे इंजीनियर्स पास करेंगे इंशाल्लाह, फिर जिनके मकानात बिल्कुल तबाह हो चुके हैं कोशिश करेंगे कि उनके लिए मकानात भी करें। लेकिन ये काम रियासत का है, इनफरादी किसी भी जमात और तंजीम इसको मुकम्मल पाया तक मील तक नहीं दे सकती। हमारी जहां तक अप्रोच है हम वहां तक कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी केपी के कि उन भाइयों को जो मुतासर है उनको क्या पैगाम देना चाहिए? हाँ, उनके लिए पैगाम एक ये है कि ये इमदाद आप ही की है और इंशाल्लाह हमने कौम से अमानत ली है, आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन थोड़ा सा हौसले का, पूरे पाकिस्तान में जितने भी मुतासर लगे थोड़ा सा हौसले का शिकार करें, या उसके अंदर कुछ अनासर जो शामिल हो चुके हैं जो ये अफरा तफरी मचाते हैं उससे मदद करने वालों को भी बददिली होती है और मदद लेने वालों के लिए होती है। तो लिहाजा हौसले के साथ किया जाए, या जिसको भी चाहिए वो अपना एक सरदार मुंतखब कर ले और लिस्टें फराहम कर दे ताकि हमारे लिए बांटने के लिए आसानी हो और लेने वालों के लिए आसानी। ये तो कौम की अमानत है, हमने आप तक पहुंचानी है। बीच में लुटेरे पड़ जाएंगे, बीच में ट्रकों को छीना झपटी करना, सिंध के अंदर हमारे लड़कों को जख्मी भी किया गया और वो अभी हॉस्पिटल में है, एक लड़का अभी तक हॉस्पिटल में है, मारा भी गया, उनसे छीन लिया गया उनके मोबाइल, उनके ज़ाती सामान भी। तो ये बलवा अमूमी जिसे कहा जाता है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम सबसे यही इल्तमास करेंगे कि ये आपका माल है, आप तक पहुंचेगा, ये हमारे लिए नहीं, हम आपके भाई हैं, हम आप तक इंशाल्लाह पहुंचाएंगे सिर्फ हौसले के साथ, तदब्बुर के साथ, तहम्मुल के साथ। पर मुश्किल वक्त है ये,
हुकूमत को क्या, जो सरकार है रियासत है उनको क्या पैगाम है? ये सबसे पहला रियासत का ही काम है, और रियासत की अगर मशीनरी इस्तेमाल होती तो लोगों का इतना नुकसान भी ना होता और लोग इस वक्त इतनी मुश्किल में भी ना होते, बल्कि बहुत सारे रिकवर हो चुके होते। लेकिन रियासतें यहाँ नहीं है ना, यहाँ रियासतें माँ जैसा नहीं है, बल्कि रियासतों को तो अगर इनको खरीदो फरोख्त का वक्त हो तो इनके पास अरबों रुपये हैं MPS खरीदने के लिए, सैनिटर्स खरीदने के लिए, लेकिन कौम पर लगाने का वक्त हो तो ये बाहर बैरून मुल्क से इमदाद मांगते हैं। ये जनाब उन गुस्ताख मुल्कों से की तवक्को रखते हैं जिन्होंने जनाब हमारे दिल भी दिखाए हुए हैं, और ये सारा कुछ करने में उन्हीं के किरदार है जिन्होंने हम पर ये मुसल्लत किए हुए। सर गुस्ताख मुल्क का नाम आपने लिया, हम देख रहे हैं लाडले का आपने नाम लिया, ये बार बार अमेरिका के खिलाफ जलसों में बात कर रहा है, हालांकि अब ये एक महीने पहले KPK हुकूमत को सैद ने गाड़ियां भी दी, फंड भी मिल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए अगर उसको अमेरिका के खिलाफ जंग है तो भाई अमेरिका के खिलाफ जंग तो तब लड़ी जाएगी ना जब कौम तुम्हारे साथ होगी। अभी तो कौम मुसीबत में है, आफत में है, तुम कौम के साथ नहीं खड़े हो सकते। अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ना तो बहुत एक काम है ना, जब सारा कुछ करना पड़ेगा और सारी जनाब कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। ये वही है कि जो यहाँ नारा लगाते हैं स्टेज पर खड़े होकर कि हम अमरीका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और रात को अमरीकन एम्बेसियों के चक्कर लगाते हैं और अमरीकी सफीरों से छुप कर दूसरे कमरों में बातें करते हैं। माफ़ी मांग रहे हैं।